जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऋषभ एस्ट्रो महाराज में। मित्रों, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें और मुझे भी मेरा भी उत्साहवर्धन हो कि मैं भी नई नई वीडियोस को डालूं और आप सभी के सामने रखूँ, जिससे कि आपका भी लाभ हो। तो आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के पंचम, छठवें, सातवें और आठवें भाव में अगर कुंडली के बैठे हैं तो ये क्या फल प्रदान करने वाले होंगे। सबसे पहले पंचम भाव की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो आपका बहुत ही काम एंड कंपोज्ड किस्म के व्यक्ति होंगे आप, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि को भी दर्शाता है और गुरु के यहाँ बैठने से आपकी थिंकिंग जो है वो लॉजिकल हो जाएगी। हर चीज़ के पीछे आप रीज़न ढूंढेंगे कि ये ऐसा है क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो इस किस्म का नेचर आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको प्रदान करेंगे। वकालत के प्रोफेशन के लिहाज से ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, टीचिंग के प्रोफेशन से बहुत अच्छी है, स्टॉक मार्केट, ज्योतिष, बैंकिंग सेक्टर्स में ये अच्छी सफलता दिलाएंगे गुरु यहाँ पे बैठ के। उच्च शिक्षा भी आपको ये प्रदान करने वाले होंगे, मेडिकल से रिलेटेड शिक्षाएं, मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशन आपको इनमें बहुत ही अच्छा सफलता दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति। संतान आपकी आज्ञाकारी होगी, हालांकि आपको संतान की सेहत का खास ख्याल रखना होगा। अगर दृष्टि की बात कर ली जाए तो इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो नवी यानी नवम भाव पे, आपका जो धर्म का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है, तो यहाँ पे ये देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को बहुत ही वृद्धि कर देंगे। आप निश्चित रूप से एक भाग्यशाली व्यक्ति होंगे, आपके धर्म में बहुत ही आपको रुचि होगी, आप एक धार्मिक व्यक्ति होंगे, पूजा पाठ में आपका बहुत ही अच्छा मन लगता होगा और अपने पिता के बहुत ही करीब होंगे आप। अपने पिता से आपको जो आपके पिता का नेचर है, जो आपका नेचर है, आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत ही मैच करता है, तो आपका सामंजस्य अपने पिता से बहुत ही अच्छा बना रहेगा। इनकी दृष्टि पड़ेगी फिर एकादश भाव पे, आपके लाभ भाव पे, आपके बड़े भाई बहनों के भाव पे, तो आपके बड़े भाई अगर हैं तो उनसे बहुत ही अच्छा संबंध आपका होगा। आपको लाभ प्रोफेशनली, पर्सनली, आप जिस हिसाब से हर फील्ड में, हर सेक्टर में आपको देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठ के एकादश भाव पे दृष्टि डाल के हर तरह से आपको लाभ प्रदान करने वाले होंगे। इनकी फिर दृष्टि पड़ेगी लग्न पे, लग्न मतलब स्वयं आप खुद, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र। अब इस पे दृष्टि देवगुरु की पड़ गई तो आप समझ लीजिए आप हमेशा स्वस्थ, दीर्घायु, आपका चरित्र उत्तम, आप अपने शिक्षकों की बहुत ही इज्जत करने वाले होंगे, आज्ञाकारी शिष्य होंगे, अपने माता पिता के बहुत ही आप उनकी बातों को मानने वाले होंगे, उनके बहुत ही करीब होंगे, आप उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करने वाले होंगे। आइए दोस्तों चर्चा कर लेते हैं अगर देवगुरु बृहस्पति छठवें भाव यहाँ पे बैठे हैं तो कैसा फल प्रदान करने वाले होंगे। छठा भाव रोग, रिपु, ऋण, कंपटीशन का होता है, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे। आप इतने टाइम से वीडियोस देख रहे हैं तो ज्योतिष के वीडियोस देखते रहते होंगे आप भी, तो ये आपको पता होगा कि ये आपके दुश्मनों का भाव होता है, आपके ऋण का भाव होता है, रोग का भाव होता है और कॉम्पिटिशन का भी भाव होता है। तो यहाँ बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपकी सेहत को तो बहुत ही इम्पैक्ट डालने वाले होंगे, आपकी सेहत पे इनका खासा असर होगा। जॉन्डिस की समस्या यानी लीवर को कमज़ोर कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर में पथरी हो सकती है, स्टोन हो सकते हैं, किडनी में भी स्टोन ये दे सकते हैं, तो इसका भी आपको खास ख्याल रखना होगा, अपनी सेहत का खासा ख्याल रखना होगा। डॉक्टर्स की सलाह लेते रहनी चाहिए आपको हमेशा, अपने टेस्ट वगैरह जो भी आप बॉडी चेकअप करवा सकते हैं वो करवाने चाहिए। कंपटीशन में मेडिकल लाइन में आपको बहुत ही अच्छा सफलता दिलाने वाले होंगे अगर उच्च के यहाँ पे होके देवगुरु बृहस्पति यानी कर्क राशि में यहाँ पे छठवें भाव में बैठे तो आपकी या मित्र की राशि मान लीजिए या अपनी स्वयं की राशि धनु और मीन में बैठे हैं और बलाबल लेके अच्छी डिग्री वाइज इनकी हुई तो ये आपको जीवन में नौकरी से संबंधित और आपके तरक्की से संबंधित प्रोफेशनली आपको अच्छे पद पर आसीन करने वाले होंगे, बहुत ही जीवन में अच्छी सफलता प्रदान करने वाले होंगे। अगर इनकी दृष्टि की बात कर ली जाए तो इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव पे। दशम भाव क्या होता है, प्रोफेशन का होता है, आपके कैरियर का होता है, तो आपके कैरियर में ज़बरदस्त उछाल देंगे, अच्छा कैरियर होगा आपका, प्रोफेशनली आप वेल सेटल्ड होंगे, आप हमेशा अपने आप को पाएंगे कि आप किसी भी स्थिति में अगर परेशानी में घिरे हुए भी हैं तो आपको कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है जिससे कि आप उससे बाहर आ जाते हैं।
तो देव गुरु बृहस्पति का ये कमाल है कि यहाँ से बैठे हुए दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ी, तो आपके परेशानियों को भी कैरियर के, आपके जो कैरियर में आ रही हों, प्रोफेशन में आ रही हों, तो इनको ये दूर करने वाले होंगे। सरकारी नौकरी भी ये आपको दिलाने वाले हो सकते हैं। अब इनकी दशा अंतरदशा, अगर आपकी नौकरी के समय आप इनकी दशा या अंतरदशा और डिग्री वाइज इनका बलाबल अच्छा हुआ, तो ये आपको सरकारी नौकरी भी दिलाने वाले होंगे। इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो फिर पड़ेगी 12वें भाव पे। 12वां भाव होता है खर्च का, विदेश का। तो विदेश यात्रा आपकी अच्छी होगी, आप विदेश में धन कमाने भी जा सकते हैं, और आपका खर्च जो होगा वो धार्मिक चीज़ों पे होगा। आप अनर्गल खर्च करने वाले नहीं होंगे, लेकिन आप जब खर्च करेंगे तो आप अच्छे कामों में करेंगे, आप लोगों की मदद करने में करेंगे, आप धार्मिक कृत्यों में करेंगे खर्च को, तो ये आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले होंगे। हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा कि हॉस्पिटल में भी ये खर्चा दिला सकते हैं, क्योंकि ये 6वें भाव में बैठे हैं और 12वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो 12वां भाव से हम हॉस्पिटल्स को भी देखते हैं, और 6वां भाव खुद रोग का है, तो ये रोग में भी आपके, यानी हॉस्पिटल्स में भी आपका खर्चा दे सकते हैं। अब बात की जाए इनकी दृष्टि की, तो ये दूसरी भाव पे भी दृष्टि डालेंगे। दूसरे भाव पे, दूसरा भाव होता है आपके परिवार का, कुटुंब का, धन का, आपकी वाणी का। तो आपकी वाणी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, मधुर हो जाएगी, आप बहुत ही अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, आपका धन संचय बहुत अच्छा होगा, आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी होंगी, बैंकिंग में आपको ज़बरदस्त सफलता मिल सकती है। अगर आप बैंक में, बैंक से जुड़े हुए आप प्रोफेशन में हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छा सफलता दिलाएंगे। और आपकी जो कुटुंब है, आपका परिवार है, इससे जुड़ी हुई भी चीज़ें बहुत ही अच्छी रहेंगी। आपकी ये प्लेसमेंट देवगुरु बृहस्पति की बहुत अच्छी कहलाएगी। अगर यहाँ पे डिग्री वाइज और राशि अगर अच्छी, अपनी स्वयं की राशि, मित्र की राशि या उच्च में होके बैठे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले होंगे। दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं, अगर देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम स्थान में बैठे हैं तो क्या फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, सप्तम के गुरु जातक को मोहक शरीर और चरित्र प्रदान करने वाले होते हैं। हर कोई आपकी ओर खींचा हुआ आएगा, आपके व्यक्तित्व की एक अलग ही छाप होगी समाज में। आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, सरकारी नौकरी के योग भी ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बैठ के दे देते हैं। और पत्नी या पति, अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो पति हैं उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, और अगर आप मेल हैं तो आपकी जो पत्नी होंगी यानी आपके लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छे संबंध आपको यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठ के प्रदान करने वाले होंगे। और आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे विद्वान बहुत होंगे, टीचर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, किसी भी समस्या को दूर करने वाले जितनी भी प्रोफेशन हो सकती है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बैठ के आपके लाइफ पार्टनर को ये दर्शाते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर इन इन प्रोफेशन से हो सकते हैं, जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर इनकी दृष्टि की बात कर ली जाए दोस्तों, तो यहाँ पे बैठ के ये आप दृष्टि डालेंगे आपके 11वें भाव पे। तो 11वां भाव, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि ये लाभ का भाव होता है, बड़े भाइयों का भाव होता है, तो ये उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को बहुत ही अच्छा कर देंगे। आपका सोशल सर्कल, मतलब आपका जो आपके दोस्त हो गए, आपके जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हो गए, या आप रोज़मर्रा जिनसे आप मिलते हैं सोशली, जिनसे आप कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे बहुत ही अच्छा संबंध आपका इन ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बैठ के प्रदान करने वाले होंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात हुई। दोस्तों, यहाँ पे बैठ के लग्न को भी ये देखेंगे, तो लग्न फिर आप जैसे जानते हैं कि ये आपको स्वयं आपको देख रहे हैं, तो आपके चरित्र को बहुत ही अच्छा कर देंगे। जीवन से जितनी भी परेशानियां हैं आपको अगर आती भी हैं, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उनसे बाहर निकालने वाले होंगे। अगर इनकी दशा अंतरदशा में आपकी नौकरी या आपका व्यापार या आपका प्रोफेशन, अगर इनकी दशा या अंतरदशा में आप इस जुड़ते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी सफलता प्रदान करने वाले होंगे। इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वे फिर यहाँ पे तीसरे भाव पे भी पड़ेगी। तो तीसरा भाव पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो अब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठ के आपके कम्युनिकेशन को बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। जितना आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, जुड़ेंगे, वो आप प्रोफेशनली आपको बहुत ही लाभ प्रदान करेंगे। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो या आप नौकरी में हो, आप जितना अपने आप को
एक्सप्लोर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को अपनी बात जितनी समझा पाएंगे वो, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी सफलता दिलाएगी। और अपने छोटे भाई बहनों से भी आपको बहुत ही अच्छे संबंध देंगे ये। अगर आप व्यापार अपने छोटे भाई या बहनों से जुड़ के करना चाहते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले होंगे। अपने छोटे भाई बहनों के आयु के लिए भी ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है आपके। तो आइए अब चर्चा करते हैं, अगर देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में मौजूद हो। अब अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति मौजूद हैं तो जैसे कि अष्टम भाव आयु का होता है, आप सब जानते हैं, मृत्यु को भी यहाँ से देखते हैं, स्ट्रगल को भी देखते हैं, रहस्य का ये भाव होता है। तो ये भाव अगर आप बात कर ले तो ये एक तरीके से आप अगर अंधेरे को दर्शाया जाता है, मतलब कि यहाँ पे रोशनी कम है, लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे अपने ज्ञान को लेकर बैठे हैं और अगर सूर्य के साथ बैठे हैं तो सूर्य और गुरु की प्लेसमेंट यहाँ पे दोनों की प्लेसमेंट अष्टम में हुई, और अगर अच्छी राशि में इनके मित्र की राशि में हुई तो बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी। अगर अकेले भी बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर तो आयु आपको लंबी प्रदान करने वाले होंगे, आपकी आयु एज बहुत ही अच्छी कर देंगे आपको। और धन जो है, जो पैतृक धन है, जो पैतृक संपत्ति है, वो आपको ज़रूर प्राप्त होगी आपके माता पिता, आपके दादा दादी से, जो भी आपकी पैतृक संपत्ति है वो आपको ज़रूर प्राप्त होगी। लेकिन कोई भी काम होते होते रुक सकता है, अड़चनें प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही अड़चन आ रही है, रुक रुक के काम हो रहा है, होते होते रुक जा रहा है, तो ये समस्या आपकी लगातार बनी रह सकती है जब तक आप देवगुरु बृहस्पति के उपाय ना कर लें। इनके अगर आप देवगुरु बृहस्पति के आप उपाय ये कर सकते हैं कि आप अपने एल्डर्स की, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप महंगे महंगे दान करें या ऐसा कुछ करें, तो आप या बहुत ही महंगी चीज़ें आप बहुत ही जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो करें, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अगर खुद से इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो बीज मंत्र हो गए या वैदिक मंत्र हो गए देवगुरु बृहस्पति का, तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले होंगे। या किसी वैदिक ब्राह्मण से आप जिनको जानते हों उनसे आप अपने कुंडली दिखा के और इनके मंत्रों का जाप करा लें, यथासंभव जो भी आप जैसा करा सकते हो तो उनसे करा सकते हैं आप। एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर देवगुरु बृहस्पति अष्टम में बैठे हों तो पुखराज मत पहनिएगा। कोई आपको कह दे कि गुरु कमज़ोर हैं तो यहाँ पुखराज पहन लो, तो पुखराज यहाँ पे नहीं पहनना है, ये आपको नुकसान दे सकता है। तो अब दृष्टि की बात कर ली जाए तो इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो 12वें भाव पे। 12वां भाव खर्च होता है। अब खर्च का होता है, हॉस्पिटल का होता है, विदेश का होता है। तो अब बैठे तो अष्टम में हैं लेकिन इनकी दृष्टि जो है वो अमृत है। तो अब यहाँ से जितनी 12वें भाव से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपको विदेश यात्रा अच्छी हो जाएगी, आपकी जो हॉस्पिटल से रिलेटेड इश्यूज़, आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो आप अगर कोई गंभीर बीमारी से गुज़र भी रहे हैं तो उससे आप बाहर आ जाएंगे, मतलब आपकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही अच्छी होगी, उसमें आप स्वस्थ होकर ही बाहर आएंगे। खर्च ज़रूर होगा लेकिन आप स्वस्थ होकर ही बाहर आएंगे। और धार्मिक चीज़ों में और आपको जितनी भी ज्ञान वाली चीज़ें, आपको एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनमें आप खर्चा करेंगे, सोसाइटी के भले के लिए आप खर्चा करेंगे, तो ये यहाँ पे बैठ के ज़रूर ऐसा करते हैं। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी फिर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जैसा कि आप जानते हैं धन का होता है, फैमिली का होता है, तो और वाणी का होता है, तो वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, धन संचय अच्छा होगा और सेविंग्स अच्छी होगी, बैंकिंग से रिलेटेड इश्यूज आपके सॉल्व होंगे, आप बैंक में अगर जुड़े हुए हैं तो अच्छा पदोन्नति, अच्छे आपके जो तरक्की होगी वो होगी। तो और फैमिली में भी आपके जितने कोई अगर इश्यूज हैं तो वो भी सॉल्व होंगे, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपकी जितनी भी समस्या फैमिली से रिलेटेड हैं वो दूर करने वाले होंगे। अगर बात की जाए इनकी दृष्टि की तो चतुर्थ पे भी पड़ेगी। अब चतुर्थ भाव होता है आपकी माता का, सुख का, संसाधन का, आपके भोग मतलब आप जो जितने सुख को भोगते हैं, और आपकी प्रॉपर्टी का, आपके स्वयं के संसाधनों का जिनसे आपको सुख प्राप्त होता है, और तो ये भाव वो है। तो इन सभी चीज़ों में देवगुरु बृहस्पति वृद्धि कर देंगे आपको, भूमि भवन वाहन से परिपूर्ण करेंगे, आपको माता का सुख प्राप्त होगा,
माता से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और आप बहुत ही जीवन में अपनी जो एक अलग पहचान, अलग छाप सोसाइटी में है वो आप साबित कर पाएंगे अपने आप को। यहाँ पे ये निष्कर्ष ज़रूर निकाला जा सकता है कि उसमें समय लग सकता है। अब वो किसी को हो सकता है 30-35 साल में ही मिल जाए, लेकिन आप एक समय बीतने पे, समय आने पे आप एक अच्छे संपत्तिवान और एक अपने समाज में अपनी एक जगह स्थापित करने वाले व्यक्ति ज़रूर बनेंगे। तो ये थी दोस्तों आपके देवगुरु बृहस्पति की पंचम, छठवें, सातवें और आठवें भाव में अगर बैठे हुए हैं तो ये फल प्राप्त होता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी अगर ये मैच होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, या कोई सवाल हो तो ज़रूर बताएं।